रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ छह आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी को एनडीपीएस कोर्ट ने 20th अक्टूबर के लिए बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई कोर्ट ने रिया और बाकी आरोपियों की बेल पर अपना डिसीजन रिजर्व रखा है और कोर्ट बहुत जल्द इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें, रिया और उनके भाई के साथ सभी आरोपी लगभग एक महीने से जेल में बंद हैं। लास्ट वीक सुनवाई के दौरान रिपोर्टेडली एनसीबी ने कहा था कि रिया एक बैंड सब्सटेंस सिंडिकेट का हिस्सा है और इसी आधार पर एनसीबी ने रिया की बेल प्ली को रिजेक्ट करने की डिमांड की थी। वहीं रिया के लॉयर ने साफ कहा था कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए बैंड सब्सटेंस नहीं खरीदे और ना ही किसी बैंड सब्सटेंस पेडलर को रिया ने अपने कार्ड से पैसे दिए थे। ऐसे में उन्हें इस बैंड सब्सटेंस रिंग का पार्ट बताना गलत है। वैसे रिया की रिहाई के लिए कुछ सेलेब सपोर्ट में आ गए हैं। राइटर कनिका ढिल्लन ने अपने एक पोस्ट में लिखा, यस लेट दैट सिंक इन, शी हैज ऑलरेडी बीन इन जेल फॉर अ मंथ, रिलीज एट ट्वीट टू रिया, हैशटैग रिया चक्रवर्ती एंड ऑल दोज हु वर बेइंग फॉर हर ब्लड, रिफ्लेक्ट पॉन्डर एंड एट लीस्ट नाउ कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट हर टू बी आउट ऑफ जेल, हैशटैग रिलीज रिया चक्रवर्ती। वहीं स्वरा भास्कर और अनुभव सिन्हा ने भी रिया को रिलीज करने की डिमांड की है। इससे पहले एम्स पैनल की रिपोर्ट आने के बाद रिया के लॉयर ने जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन को स्लैम करते हुए कहा था, पीपल हु कैंपेन फॉर सुशांत सिंह राजपूत्स जस्टिस शुड हैंग देयर हेड्स इन शेम, इट्स बिकॉज ऑफ दैट हिज हैबिट केम इनटू पब्लिक नॉलेज, इट्स बिकॉज ऑफ हिज फैमिली एंड सो कॉल्ड मीडिया हाउसेस हु वेंट अपॉन क्रिएटिंग अ फॉल्स नैरेटिव, दे शुड ऑल हैंग देयर हेड्स इन शेम। वहीं इन अनदर सेंसेशनल डेवलपमेंट, एक रिपोर्ट के मुताबिक रिया के एक नेबर ने क्लेम किया था कि 13 जून को रिया और सुशांत को उन्होंने साथ में देखा था। इस क्लेम के बाद रिया के उस दावे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिसके मुताबिक रिया ने कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत से आखिरी बार 8 जून को मिली थी। वहीं इस केस में एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया है टू स्क्वॉश द एफआईआर फाइल्ड बाय रिया अगेंस्ट हर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में रिया के वकील ने कोर्ट से थोड़ा समय मांगा टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट, जिस पर कोर्ट ने अब इस केस में सुनवाई 13 अक्टूबर को करने का फैसला किया है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर पर एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने बोगस मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनवाकर सुशांत सिंह राजपूत को साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस लेने में मदद की थी। आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने रिया की इस एफआईआर को सीबीआई के पास फॉरवर्ड कर दिया था और वो इस मामले की जांच कर रहे हैं।